कमाल की है यार, कमाल की है। आप नाम पूछ लेते ना क्लास में हमसे तो हम बता देते कि समीउल्लाह हकानी साहब हैं इनका नाम। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलतफहमी मुझे कैसे हो गई। मैं शुरू से उस्ताद साहब को गजन पर साबित समझ रही थी ना, वो तो मुझे पता अच्छा चला कि वो दूसरे हैं, जो दूसरे शाम की क्लासेस कोई और उस्ताद साहब रहते हैं। हाँ तो इससे बस मेरी गलती हो गई। अब तो चले वो कोई एकदम नहीं, मेरे, वो तो नंबर तो आपको बड़े मिल जाएंगे। सुबह हाँ वो भी बड़े अच्छे नंबर सलाम देते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम सलाम साजी। वबरकातुह। इजाजत है हजरात उलमाए किराम, वैसे तो उलमाए किराम जब गुफ्तगू कर रहे हो तो बोलना नहीं चाहिए, बीच में अदब के खिलाफ है, तो इसलिए इजाजत ले रहा हूँ आपसे। चले शुरू करते हैं आप, खामोशी भी इजाजत है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सूरतुल लैल मक्की सूरत है, जो कि उसका उसका जो है वो तर्जमा लफ्जी भी आ गया था और बा मुहावरा तर्जमा भी आ चुका। तो अब इस सूरतुल लैल की दो कुछ तशरीहात तफसीरात हैं वो पेश खिदमत हैं। हजरत ने भी बहुत खूबसूरत और मुख्तसर अंदाज में इसको जिक्र फरमाया है, हम भी उसी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी देखते हैं इसमें। सबसे पहले अल्लाह ताला ने दिन और रात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात मुबारक की भी कसम उठाई, तीन कसमें उठाई हैं। ये तीन कसमों का बज़ाहिर यहाँ पर जो जोड़ बनता है वो इस लिहाज से बनता है कि रात और दिन के अहकामात अलग हैं, रात और दिन के मामलात अलग हैं, इनमें किए जाने वाले कामों की नौईयत अलग है, इन कामों की नौईयत के तबार से इनके नताइज अलग हैं और इनके फवायद बरकात भी अलग हैं और इनके अगर कहीं नुकसानात होते हैं तो वो भी नुकसानात भी अलग अलग हैं। तो इसी तरह जो हमें अहकामात मिले हैं अवामिर, उनको तशबीह दी गई है नूर से, नूर से तशबीह दी गई है रोशनी से। जैसे अल्लाह नूर समावात वल अर्ध मथल नूरी कमिश्कात फिया मिस्बा, आयत नूर आ रही है ना सूरह नूर में 18वें पारे में, तो उसमें अहकामात को इन चीज़ों को नूर से तशबीह दी गई है, रोशनी से मुनव्वर होना। जबकि उसके मुकाबिल में जो गुनाह हैं और गुनाह हैं उनको जुलुमात कहा गया हदीस पाक में, है ना, अज़्ज़ुल्म ज़ुलुमात यौमल क़ियामा, अंधेरा होगा, तो अंधेरे से तशबीह दी गई है। तो इस लिहाज से दिन और रात की यहाँ तशबीह लाकर ये बात की तरफ इशारा कर दिया गया कि ये जो अहकामात वाली जिंदगी इंसान गुजारता है तो उसका जैसे दिन की रोशनी में सारे मामलात आसानी से हल हो जाते हैं और उसको कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, इसी तरह कल क़यामत के दिन भी उसकी जो रोशनी है इन अहकामात की बरकत से होगी। और इसके मुकाबले में अगर वो बदआमालियाँ करेगा तो बदआमाली की तशबीह चूँकि रात से दी है कि रात के अंदर भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है खारजी रोशनी की, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, तो कल क़यामत के दिन भी अगर अंधेरा हो गया कब्र के अंदर फिर महशर के मैदान में, फिर वो जो पुल सिरात है जिसके ऊपर वो आ रहा ना ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिल्लहु बातिनुहु फीहि रहमा वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिल अज़ाब, ये सारा आ रहा है उसके बारे में पुल सिरात के बारे में, तो वहाँ भी रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई किसी की रोशनी में पार नहीं कर सकेगा उसको, हर एक अपने अपने ईमानी कैफियात आमाल के अतबार से उस रोशनी का हाला उसके ऊपर होगा। किसी का ज़ीरो का बल्ब होगा, किसी का हज़ार करोड़ वाट का बल्ब होगा, एक हाला सा बना हुआ होगा और किसी के पीछे नहीं चल सकेगा कि अगले की रोशनी चलो बड़ी ज़बरदस्त है मैं उसकी कर लूँगा, ऐसा नहीं कर सकेगा, वो चला नहीं सकेगा। तो इसी को यहाँ तशबीह दी गई कि दिन और रात की जो तशबीह है तो इसको मद्दनज़र रखते हुए इंसान अपने आमाल को मुतय्यन करे कि ऐसे आमाल की बजा आवरी करेंगे जिससे उसको रोशनी मिले, और ये रोशनी कोई ज़ाहिरी रोशनी तो बिल्कुल इसके मुकाबले में नहीं, सिर्फ तशबीह दी है
कि इससे दिले बीना पैदा हो जाए। ये बात है ना, उसमें शेर में क्या है, दिले बीना भी अल्लाह से मांगना चाहिए। तो दिल की रोशनी है, दिल की रोशनी जब की बेदार होती है तो उसको फिर उसको उसको फिर क्या है कि उसको फिर अहकामात में, ईमान आमाल में, सालेह में उसको कामयाबी नजर आती है। और जिसका दिल रोशन नहीं होता उसको फिर आमाल में कामयाबी नजर नहीं आती। ये फर्क पड़ता है, क्योंकि बज़ाहिर एक जैसे मामलात हैं ना, बज़ाहिर एक जैसे मामलात हैं कि बकरे को गाय को गले से ज़िबा किया, तीन रगे काटी, तो हलाल है, 100% हलाल है, इसका गोश्त खाना खिलाना सब चीज़ हलाल। लेकिन अगर इसी के गाय के पेट में छुरी मार कर उसको कर दिया, ज़िबा कर दिया और वो मर गया, और उसका गोश्त हम खाना हराम है। अब बज़ाहिर अगर सर की आंखों से देखेंगे वही का इल्म को अलग करके, और ये जो रोशनी अल्लाह ने दी है इल्म की रोशनी, इससे अलग होकर देखेंगे वही की, तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि दोनों एक जैसे ही हुआ है, सिर्फ जगह का फ़र्क है। गले पर छुरी फेरना या पूरा मनकई उतार देना या उसके पेट में छुरी मारना, खून दोनों जगह से निकला, दोनों दोनों की वजह से वो मर गया, तो दोनों की वजह से मरने की वजह से गोश्त खाना चाहिए। गोश्त में तो बज़ाहिर रंगत में कोई फर्क नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, कोई सख्त नहीं होता, कोई पत्थर नहीं बनता, ना वो काला होता है, ये क्या वजह है? तो अब ये दिल की रोशनी जिसकी होगी सही और वही की रोशनी होगी तो वो बताएगा कि नहीं ये जायज नहीं है और वो जायज है। ठीक है, तो ये वो फर्क है, ये वो फर्क है। दिल दिल रोशन जब होता है वही की रोशनी से तो उससे फिर फर्क पड़ता है, इंसान को अहकामात में कामयाबी नजर आती है और उसमें नजर नहीं आती कामयाबी। के मेहनत करके जो पैसा कमाया वो यानी कोई चीज बेच कर पैसा कमाया, उस 100 रुपए पर आपने चीज 110 की बेची तो 10 रुपए नफा आ गए, 100 रुपए किसी को कर्जा देकर 110 रुपए वापस लिए तो 10 रुपए इसमें भी आ गए, दोनों में पैसे ही हैं। लेकिन एक हराम है और ऐसा हराम है कि फरमाया ये ऐलान जंग है, अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, और फ़ज़नू बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूली, जबकि दूसरा क्या है, दूसरा हलाल है, तय्यब है, अलकासिब हबीबुल्लाह है, और अत्ताजिर सुदूक जो सच्चे ताजर हैं, कल क़यामत के दिन अम्बिया के साथ उनका हशर होगा। तो कितना फ़र्क है, अब बज़ाहिर फ़र्क कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वही की रोशनी हमें बताती है जो है वो करती है कि इसमें ये हलाल और वो हराम। तो ये तशबीह है यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने दी है। इसी तरह वमा खलक ज़कर वल उन्सा, के मर्द और औरत इनकी इनको भी अलग अलग आमाल दिए, चूँकि अहकाम दिए हैं, मर्दों के अलग अहकाम हैं, ख़वातीन के अलग अहकाम हैं, इनके जिस्मानी, इनकी इनकी रूहानी, इनकी दूसरी जो अशिया हैं, आमाल हैं, जो अहवाल हैं, उन अहवाल के फ़र्क होने की वजह से इनको अलग से फिर अहकाम दिए गए हैं। तो इसी लिहाज से हर अमल का नतीजा है, जब मर्द और ख्वातीन को अलग अहकाम दिए हैं उनके हदूद और कयूद की वजह से, तो ये कैसे नहीं हो सकता कि एक गलत काम है और एक अच्छा काम है, दोनों का फर्क नहीं होगा, दोनों का नतीजा नहीं निकलेगा कल क़यामत के दिन। जैसे सूरह उसमें क्या कहा, अफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमानों को, मानने वालों को, मुजरिमीन को इकट्ठा कर देंगे? मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया, कई फतहकुमून, किस तरह के तुम फैसले कर रहे हो? तो ये भी है, ठीक हो गया। तो ये भी है कि इसमें जब उनके मारूजी हालात की वजह से अहकाम अलग किए, तो जो अब्दुल आबाद की जिंदगी आने वाली है उसमें अहकाम की या आमाल की अलग अलग आमाल की अलग अलग नतज क्यों नहीं निकलेंगे, इस पर तवज्जो दिलाई गई है। तो इसलिए इंसान को तवज्जो देनी चाहिए कि जब आमाल अलग अलग हैं तो उनके नतज भी वैसे मिलेंगे। इसलिए जो बोएगा आज कल वही काटेगा, गंदम बोएगा तो गंदम काटेगा, चना नहीं काटेगा। अगली आयत में फिर फरमाया इन नसाकुम लशत्ता, के अलग अलग मेहनतें, हर एक की मेहनतें अलग अलग हैं, उन मेहनतों के नतज भी अलग अलग हैं। जैसे सूरह बलद में भी आपने पढ़ा था ना, यही मजमून आया था कि इंसान को बड़ी मेहनत मुशक्कत पैदा किया गया है और मुशक्कत सारी जिंदगी इंसान करता है, चाहे वो अच्छे अमाल की है चाहे बुरे अमाल की है, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि बुरे अमाल की तो ज्यादा करनी पड़ती है, उसमें तो जान की बाजी तक लोग लगा देते हैं, है ना।
तो उसमें जो है ना वो क्या कुछ करते हैं, अच्छे अमाल में भी लगती है लेकिन बहुत मखसूस हालात में, लेकिन बुरे कामों की तफासील ज्यादा हैं कि जिसमें जान जो है वो और सेहत और हर चीज़ ख़राब होती है, सब चीज़ें दाव पे लगती हैं। तो इसलिए फरमाया कि हर एक की मेहनतें अलग अलग हैं, उसमें जो सबसे प्यारी मेहनत है पहले उसका जिक्र फरमा रहे हैं कि प्यारी मेहनत सबसे ये है कि आता व तका। अब आप जरा अंदाज़ा कीजिएगा, सूरह बलद में भी और सूरह अल्लाह भला करे आपका सूरह जो फजर में भी और इसके अलावा जो सूरतों में कहीं भी जहां नेकी का जिक्र आया है, तारीफ काबिल मदह आमाल का जिक्र किया गया है, वहां पर अल्लाह ताला बार बार मुआशरत मामलात अखलाकियात की लाइन का जो है ना वो दीन जिक्र कर रहे हैं। इबादात को इतना ज्यादा अहमियत के साथ जिक्र नहीं कर रहे, गो कि उनकी अहमियत है जरूर, इसमें जो कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि एक आदमी अपने ईमान के बकदर आमाल पर आता है ना, ये याद रखिएगा, जितना ईमान ज्यादा होगा उतना आमाल होगा। फिर आमाल में नमाज के लिए जितना ईमान की जरूरत है ना, जितनी जरूरत नमाज फर्ज नमाज के लिए जरूरत है ईमानी कैफियत की, उससे कहीं ज्यादा जरूरत सुन्नत मुअक्कदा के लिए है। अगर ईमानी कैफियत होंगी तो सुन्नत मुअक्कदा अदा करेगा। फिर जितनी ईमानी कैफियत सुन्नत मुअक्कदा के लिए जरूरी है उतनी उससे कहीं ज्यादा सुन्नत गैर मुअक्कदा की जरूरत है। हम इस वक्त 74 लोग बैठे हुए यहाँ पर, हम सब अपने अपने गरीबान में झांकें और अपने आप को देखें कि सुन्नत गैर मुअक्कदा का कितना एहतमाम है। कोई बताने की जरूरत नहीं, मामला चूंकि अल्लाह के साथ है कि कितनी अहमियत है और कितना हम पढ़ते हैं, और जो चार सुन्नतें आती हैं असर से पहले उसका हम कितना ज्यादा अहमियत पैदा करते हैं और कितना ज्यादा उसका एहतमाम होता है, हर कोई देख ले। इसी तरह ईशा की नमाज से पहले चार सुन्नतें कि जिंदगी में कितनी मरतबा मैंने इसको चार सुन्नतों को अहमियत के साथ पढ़ा है जो कि गैर मुअक्कदा हैं। इसी तरह जो गैर मुअक्कदा दो दो सुन्नतें हैं मगरिब के बाद, ज़ोहर के बाद, इसी तरह ईशा के बाद और वितर के बाद कितनी अहमियत से पढ़ते हैं, जाहिर है इसी में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो ईमानी कैफियत हमें चाहिए वो कितनी ज्यादा चाहिए। फिर ईमानी कैफियत जो सुन्नत गैर मुअक्कदा पर इंसान को लाती है उससे कहीं ज्यादा वो हैं जो इंसान को नमाजें जो नफली नमाजें उन पर चाहिए, उसमें तहज्जुद है, उसमें इशराक है, उसमें अवाबीन है, उसमें चाश्त है वगैरह वगैरह, तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वुजू है, और सलातुल खौफ है, या इसी तरह हजरत की नमाज है, शुक्राने के नवाफिल हैं, तौबा के नवाफिल हैं, उसमें कहीं ज्यादा चाहिए। फिर जितने ईमानी कैफियत हमें इन नवाफिल के लिए चाहिए उससे कहीं ज्यादा किसी को सलाम करने पर चाहिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहने पर। जी हाँ, ये बात शायद हजम ना हो लेकिन ये जितनी कैफियत यहाँ चाहिए वहां पर उससे कहीं ज्यादा चाहिए। फिर जितने कैफियत इस सलाम करने पर चाहिए उससे कहीं ज्यादा कैफियत उसका हाल अवाल और खुले चेहरे के साथ मिलने पर चाहिए। फिर जितनी इसके लिए चाहिए इस अमल के लिए उससे कहीं ज्यादा जो है वो चाहिए हुस्ने मुआशरत की चाहिए, एहसान के लिए चाहिए, इससे आप आगे बढ़ते चले जाएं, अखलाकियात के लिए चाहिए, मामलात के लिए चाहिए, मुआशरत के लिए चाहिए, ये बिल्कुल आखिरी मामला होता है अखलाकियात वाला, ये सबसे आखिरी सीढ़ी है। यूं समझे गेम खेल रहे हैं आप, उस गेम खेलने में ये आखिरी स्टेज है कि पहली स्टेज इबादत है, उसके बाद कि फिर मामलात हैं, फिर मुआशरत है और फिर अखलाकियात, कि जहां पर सामने से कुछ भी ना मिल रहा हो और फिर भी इंसान को हुक्म ये है कि वो करे। तो इसलिए इन कैफियात को करना अपनाना कि जिससे ये काम आसान हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी अल्लाह ने क्या कहा, फअम्मा मन आता, ये है लफ्ज आता के देना, तो देने में आप पर वक्त है, किसी को वक्त की जरूरत है तो आप वक्त दें, कोई अगर तन्हाई का शिकार है, हमारे चाचा थे मरहूम, सारी जिंदगी उन्होंने पूरी दुनिया फिरी, एयरक्राफ्ट ऐसे इंजीनियर थे कि PIA ने जो है ना वो जब रिटायर हो गए उसके बावजूद उसके बाद उनको कहा नहीं आपका जैसा बंदा नहीं मिल रहा जो आप कैलिबर का, लिहाजा आप आए। कितनी एयर बसें वो फ्रांस से वहां से वो लेकर आए कि जाकर सीख कर आते थे एयर बसेज आपकी PIA की, और वो करते थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो जो हमारे पास उस कस्म कुर्सी बेचारे, बस वो पूरे खानदानी हालात माहौल बैठे हैं सब चीजें, लेकिन वो तो वो एक जुमला कहा करते थे, कहते थे कि बस वो मुझे तन्हाई मार गई, यानी सब चीजें थी, पैसा हर चीज थी,
लेकिन क्या कहते थे, तन्हाई मार गए, तो तन्हाई भी मारती इंसान को। तो यही कहा, यही मतलब है कि किसी को अगर वक्त चाहिए, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, उनको उनके पास जरूरत थी कि एक दो घंटे को बैठा रहे, सुबह शाम दोपहर को बैठा रहे और उनकी सुनता रहे, अपनी सुनाता रहे। ये भी है, किसी को सिर्फ पैसों की जरूरत है तो आप उसको पैसे दें। हम असल में उल्टा काम कर रहे होते हैं, जिसको पैसे की जरूरत है उसको वक्त देते हैं, जिसको वक्त की जरूरत है उसको पैसे दे रहे होते हैं, और जिसको दवाई की जरूरत है उसको कहते हैं नहीं गोश्त खाओ, ये मटन खाओ, मैंने सदका किया है तो लिहाजा ये मटन 2000 रुपए किलो मिल रहा है, तुम्हें कहाँ मिलेगा, खाओ इसको। उसको जरूरत है दवाई की, आप दवाई लेके नहीं दे रहे। उसको जरूरत है सॉक्स की, आगे सर्दियां आ रही हैं, आप कहते हैं नहीं ये जो है ना तुम ये तस्बीह लो, तुम ये फलां चीज लो, कोई ऐसे नहीं है। जरूरत के मुताबिक वक्त के हुक्म को जानना, वक्त के हुक्म को जानना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आता की साइंस समझना कि जहां जिसको जो चीज की जरूरत है, इसके इसको कहते हैं ना तबलीग वाले क्या कहते हैं, मौका शनासी वक्त शनासी, तो उसको पहचानना कि इस वक्त हुक्म क्या है, क्या जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक चलना ये बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं जी बेहतरीन सदका क्या है, बेहतरीन सदका जिसको दे रहे उसकी जरूरत देखे, उसको किस चीज की जरूरत है, ठीक हो गया। तो आता वत्तका भी करना है, डरना भी है, परहेजगारी भी, जहां पर नेक आमाल कर रहे हैं वहां पर गलत कामों से अपने आप को बचाना। अब गलत कामों में सारी चीजें हैं, जिन काम जो मनहियात हैं, चाहे वो मामलात की लाइन के हों, माशरत अखलाकियात इबादत जिस लाइन के, अकायद अफकार की लाइन के हों, उनसे बचना ये बहुत जरूरी है। और तस्दीक करना, तस्दीक हुस्ना से मुराद क्या है कि सबसे बेहतरीन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे बेहतरीन कलमा है। और इसकी ये ऊपर ये इजमाल है, समरी है, आगे इसकी पूरी तशरीह है, पूरी जिंदगी इस्लाम इसके ताबे है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद और रिसालत और इनकी बातें बताई बातें, ठीक है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इसी के ताबे है वो। तो लिहाजा जब ये होता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसान फरमा देते हैं वो मवाके वो हालात वाकयात, और वो उसकी तलब पर उसको फिर आगे ऐसे अहबाब और ऐसे मवाके दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी तैयारी होनी शुरू हो जाती है। तो ये शुक्र अदा किया करें हम, अल्लाह ने हमें आपको मस्जिद मदरसा किताबें दीन उलमा इनके साथ जोड़ दिया, नस्बतें जोड़ दी, कमोबेश हर एक का अलग अलग कमोबेश। तो ये अल्लाह का करम एहसान है कि ज़ाहरी जो असबाब हैं वो अल्लाह ने दे दिया। अब मेरी आपकी दौड़ है, फल यतना फसल मुतना फैसल, जितनी दौड़ लगा लेंगे उतनी आपका जो है ना आगे बढ़ जाएंगी। अब आगे अपनी अपनी दौड़ है, कितनी दौड़ लगाती हैं, कितने आमाल में आगे बढ़ते हैं, कितने उस चीज़ों में चलते हैं। ये ज़ाहरी असबाब अल्लाह ने दिए, ना देते तो क्या कर सकते थे हम, यही हम वक़्त किसी उल्टे सीधे जो ग्रुपों में लगा रहे होते हैं वहाँ पर जो है ना चैटिंग जो की होती है और क्या कुछ कर रहे होते हैं, फरमाया तो ये कर दिया। तो ये फसन यस्सिरो हो, ये अल्लाह ने तैयारी करवाई, अल्लाह तैयारी करवा रहे हैं, आसान कर रहे हैं। तो इस आसान करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए मुझे आपको। फिर इसके मुकाबले में मम बखिला, उसी का आता का उल्टा आ गया ना, बखिला बखल करना, कि जहां पर जरूरत थी ज़कात निकालनी थी ज़कात ही निकाली, सदका करना था सदका नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में देना था जरूरत थी वहां खर्च नहीं किया, अपनी जात पर तो करता रहा लेकिन जहाँ करना चाहिए था वहां नहीं किया, वस्तगना और बेपरवाही के साथ चलता रहा, तो उसके साथ भी यही मामला है कि फिर उसको और उसने साथ साथ गोया के ये ना करना, गोया के कज़्ज़ाब अल-हुस्ना के मिस्दाक है कि अल्लाह उसके रसूल के वादों पर इसको यकीन ही नहीं है। जाहिर यकीन होता तो यह खर्च करता ना कि एक एक रुपया खर्च करने पर अल्लाह क्या देंगे, लेकिन इसको यकीन ही नहीं है और उसको आखरत को समझता ही नहीं है। तो लिहाजा गोया कि अमली तौर पर अगरचे इसने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया लेकिन अमलन ये इससे पीछे हटा हुआ है, तकजीब बिलहुसना कर रहा है, तो लिहाजा इसके लिए भी परेशानी है। फसर यस्रुल उसरा, तो ऐसे के लिए भी अल्लाह ताला तैयारी के मराहिल जो है ना वो आसान कर देते हैं, उनको चलाते हैं और वो उल्टे सीधे कामों में अपनी जिंदगी, कितने ऐसे लोग हैं नाम नहीं लेता लेकिन आप भी देखती होंगी, हम भी देखते हैं दाएँ बाएँ आपके ऐसे मर्द खवातीन जो बुढ़ापे के बिल्कुल आखिरी उम्र में, खास तौर पर वो, वैसे तो जवान भी पता नहीं किस वक्त चला जाए लेकिन बुढ़ापे में खास तौर पर, लेकिन वो उल्टे सीधे कामों में लगे हुए होते हैं बेचारे, उनकी ज़ाहरी हुलिया, उनका ज़ाहरी रख रखाव, उठना बैठना खाना पीना अजीब व गरीब, बिल्कुल 90 के जाविये पर 180 के जाविये पर वो दूर होते हैं दीन से और ज़ाहरी उस पर सब चीज़ों से, और अजीब व गरीब बेचारे चल रहे होते हैं कि इंसान को इबरत आती है लेकिन उन बेचारों को नहीं समझ में आ रही होती, उसी को चल रहे होते हैं, तो उसका जिक्र किया गया। फिर
फिर आगे फरमाया कि जब ये माल है, जितना भी माल चीजें हैं ये होते हुए, क्योंकि ये उसी ये बकीला उसी के साथ है जसके पास है, जिसके पास है ही नहीं उसको उसको तो बकील नहीं कहेंगे ना, बकील तो उसी को कहेंगे जिसके पास है। तो लिहाजा आगे फरमाया कि इसको ये माल फायदा नहीं देगा, जब ये जहन्नुम के गड़े में गिरेगा, कब्र के गड़े में, तो वहाँ कोई भी काम नहीं आएगा। अभी काम आ सकता है, जितना कर सकता है करे, और वाजिबात फराइज जितना भी कर सकता है, फिर नफली उसके बाद नंबर आता है। क्या आता है ना, यस अलून का मादा यूनफिकून, जो इजाफी है वो करें, जो ज़ायदा है जितनी हस्ब इस्तेआत तौफीक है वो करें। फिर आके अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये हिदायत, ये सब चीज़ें सुझाना बताना करना और इसके लिए असबाब इख्तियार करना, असबाब देना, रिजालुल्लाह अम्बिया अलैहिस्सलाम और अम्बिया के फिर वरासा, फिर ये किताबें और ये कुरान सुन्नत और ये सब चीज़ें, ये माहौल हालात वाकयात ये अल्लाह ने दिए हैं, ये ज़राए हदायत हैं, ये रास्ते हैं हिदायत के, एह दिन सरादल मुस्तकीम की सूरतें हैं ये सारी की सारी। तो जब ये हैं तो फिर इसको इंसान करना चाहिए, तो इसका इसको इस्तेमाल करके जहन्नुम से बचे। जिस जहन्नुम की खासियत यह है कि अगली जो आयत में आ रहा है, आयत नंबर 14-15 में आ रहा है, और वहाँ पर उनसे वो जाएगा जो तकजीब करेगा, और चाहे वो एतकादी तकजीब हुई तो वो हमेशा रहेगा, अमली तकजीब हुई तो वो निकल सजा भुगत कर बाहर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर उसको जाना पड़ेगा। लेकिन आगे फिर फरमाया जा रहा है कि जो अतका है उसको हमने बचा लिया, लेकिन उस अतका की भी आगे हो सकता था, अतका सिर्फ जिक्र करते तो कह सकते थे कि इस अतका में तो सिर्फ परहेजगार है, गुनाहों से बचे हुए बस ही मुराद है, माल तो खर्च करना है नहीं, लेकिन आगे अल्लाह ने तशरीह कर दी, यो ती माल तज़क्का, जी हाँ ये बार बार जिक्र कर रहे हैं मेरे आपके लिए कि जो इसके लिए कैफियत ज्यादा चाहिए, ईमानी ताकत एनर्जी वो ज्यादा चाहिए बकिया आमाल से, तो इसलिए उस तक पहुंचना, माल हूँ ये तज़क्का, कि अपने माल को दें ये तज़क्का। और ये क्यों दे रहा है, कोई एहसान है किसी ने किया हुआ है, कोई एहसान किया हुआ किसी ने, एहसान कोई नहीं है, कोई एहसान नहीं है, एहसान एक दूसरे पर नहीं है, बल्कि ये अपने अपने आप को मुज़क्का करने के लिए, अपनी इसलाह करने के लिए है, अपने 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 उसके करने के लिए है। उसके फरमाया कि मिन निअमतिन तुजज़ा, कि कोई भी एहसान का बदला नहीं उतार रहा, बल्कि अपने आप में इसलाह और अपनी जरूरत समझ कर इंसान कर रहा है, और उसका एहसान समझ रहा है अपने ऊपर कि इसका इसको अल्लाह ने जो है वो मेरे लिए जरिया बना दिया ज़कात की अदायगी का। अगर ये गरीब ना हो तो ज़कात कैसे अदा करेंगे, जैसे सहाबा इकराम के ज़माने में था कि एक वक्त ऐसा आया कि लोग ज़कात लेकर फिरते थे, ज़कात लेने वाला कोई था, इसलिए जो पूछते के ज़कात हैं इनको अपना मोहसिन समझा करें कि ये हमारी एक फरीजे की अदायगी का जरिया बन रहे हैं, है ना, फरीजे की अदायगी का जरिया बन रहे हैं, ना मिले तो क्या करेंगे, फिर कैसे रखेंगे, पड़े रहेंगे और फिर जो है ना वो क्या कुछ होगा, तो इसलिए ये एक जरिया बन रहे हैं, अल्लाह ताला ने जरिया बनाया हुआ, तो हमारे मुंह से नहीं, ये भी आवाज आ रही है, और वो क्या है कि अल्लाह की रजा जोई, कि अल्लाह ताला राजी हो जाए और अल्लाह ही राजी हो जाए और कोई नहीं है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए, जो अल्लाह राजी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह भी राजी कर देंगे। तो ये मुराद आखिरी जो आयत है अतका से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना माल मता सब चीज़ें खर्च की हैं वो तारीख का हिस्सा है, अहादीस का हिस्सा है, और अपने आप को बिल्कुल फारिग कर दिया और जर्रा बराबर भी कोई चीज़ घर में नहीं छोड़ी। यानी जब हिजरत कर रहे थे इससे अंदाज़ा लगाएं तो दीवार को टटोल रहे थे, कच्ची दीवारें थी ना मिट्टी की, तो बेटी ने कहा क्या है, तो कहने लगी यहाँ पर एक सुई लगाई थी, तो वो भी लेके जाना चाहते हैं तबूक के मौके पर देने के लिए, तो कितना कुछ किया और घर में कुछ भी नहीं छोड़ के गए हिजरत के मौके पर, वादा ना उसमें, तो वो अब्बा जी आए दादा जान बच्चियों के, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी कुछ छोड़ गए, तो अस्मा रजी अल्लाह ने क्या बात कहती हैं कि कुछ भी नहीं छोड़े गए थे, मैंने छोटे छोटे पत्थर लिए उनके ऊपर कपड़ा डाला, दादे के ऊपर हाथ लगा दिया कि देखें ये अशरफियाँ हैं, सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, ये छोड़ गए तो खुश हो गए, चलो अच्छा हो गया। कहते हैं अस्मा कहती हैं कुछ भी नहीं छोड़े गए थे, इतना कुछ किया था, ठीक हो गया। चले अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे और इन आयात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तदरीजन रोजाना हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो, ईमानी कैफियत एनर्जी हासिल करने के लिए ज्यादा हो, और अल्लाह हमें इसमें लगे लगाए रखे और इसी में हमारी खात्मा हो, मौत हो और हसन खात्मा हो, और सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।